दिल्ली कैपिटल्स की ये जो जीत है ये उन्हें जाते जाते बहुत सुकून देने वाली है। अब क्वालिफाई कराएगी ये बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि रन रेट उतना अच्छा है नहीं, लेकिन आखिर में जब ऋषभ पंत की वापसी हुई बतौर कप्तान तो उन्होंने कप्तानी अच्छी की, अच्छी पारी खेली। वहां पे ट्रिस्टन स्टब्स सबसे बड़ा पॉजिटिव रहे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ईशांत शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। वहां पे मुझे लगा लखनऊ सुपर जायंट्स जब चेस कर रहे थे 200 का आंकड़ा, वहां पे पावर प्ले अच्छा होना बड़ा जरूरी था, और अगर अच्छा नहीं होता, तेज नहीं होता, तो फिर चार विकेट ना गिरने देना ये बड़ा जरूरी था। चार विकेट बहुत ज्यादा होती, उसके बाद आप कैचिंग अप गेम खेलते, वो खेला लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अगर निकोलस पूरन और रशद खान की वर्षा तक ये पारी ना आती तो इतने करीब ना पहुंचते। अब सिचुएशन क्या है, पॉइंट्स टेबल में ना ट्रैफिक जाम है 14 पॉइंट्स का। SRH अभी 14 पे है, CSK 14 पे, दिल्ली 14 पे। अगर लखनऊ अपना अगला मुकाबला जीतता है वो 14 पे, RCB अगर अपना अगला मुकाबला जीतता है और CSK हार जाता है तो वो भी 14 पे है। तो 14 पे सारी टीमें आ जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद जरूर, उनके पास 2 मैचेस बचे हैं, लेकिन 14 पे मुझे लगता है आखिरी टीम क्वालिफाई हो सकती है अगर CSK अगला मुकाबला नहीं जीतता। और ये भी हो सकता है कि CSK ही क्वालिफाई कर जाए 14 पे, बशर्ते उनका रन रेट उस लिहाज से रहे। इंटेंस प्रीमियर लीग इसीलिए है क्योंकि आखिर तक आप आओ और आपको अभी तक टॉप 4 मिले ना, 2 मिल गए, 2 बाकी है। सनराइज हैदराबाद वो तीसरी टीम मुझे नजर आ रही है, लेकिन चौथी के लिए बहुत लड़ाई होने वाली है। आपको क्या लगता है कौन जीते?